रजत दलाल हमारे राजू भैया बिग बॉस में आ चुके हैं। वेलकम सदस्य नंबर 10 रजत दलाल। यार ये बिग बॉस अब तक कैसे चल रहा है? मुझे लगा था सिद्धार्थ शुक्ला वाले सीजन के बाद खत्म हो गया था। अरे हाँ यार, इल्विस भाई ने भी तो जीता था बिग बॉस OTT। देखो यार, ये बात मेरे दिमाग से कितनी आसानी से निकल गई, उतनी आसानी से इल्विस भाई जेल से निकल जाते हैं। वैसे कुछ भी बोलो, इल्विस भाई का मानना पड़ेगा, ये बंदा हर जगह जा चुका है। बिग बॉस, स्प्लिट्स विला, NCB के ऑफिस, पुलिस के पास, जेल में, सांपों के पास, मतलब अपने भाई घूमने फिरने के शौकीन है। अब जगह कोई सी भी हो उससे क्या फर्क पड़ता है साले तू। चलो भाई मेन मुद्दे पे आते हैं। अपने रजत दलाल इंटरनेट के बदमोश बिग बॉस में आ चुके हैं और एक और बदमोश आए हैं बिग बॉस में, चलो उनका नाम गेस करो। अरे अनिरुद्ध बाबा, आपने राधे राधे राधे, और आप किस उद्देश्य से यहाँ आए? वैसे भी किस लाइन में आ गए आप? वैसे अनिरुद्ध बाबा जी, आपको मैं बता दूं, हमारे रजत दलाल का बाबा लोगों के साथ पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड कुछ सही नहीं रहा है, थोड़े से। कोई बात नहीं, अरे ओ बाहर नहीं जाना, बेंच यहाँ खड़ा हो, 10-10 थप्पड़ मारने एक दूसरे में। आप डरे हुए परिवार के साथ? पूरा परिवार डरा हुआ यार, बहुत से इसको डर नहीं लगता। वैसे टेंशन मत लो, हमारे पोकी बाबा जी कोई कंसिस्टेंट बन के नहीं बल्कि एक गेस्ट बन के आए हैं। सलमान खान के साथ हाथ मिलाएंगे लवली लवली और चले जाएंगे, क्योंकि उनको भी पता है वो इन जानवरों के साथ नहीं रह सकते, और खास कर खेत जाने दो। वैसे रजत दलाल जब बिग बॉस के लिए सिलेक्ट हुआ, मैं एक बात तो समझ गया कि भाई इस हूतिया शो में सिर्फ चूतिया हरकतें करके आया जा सकता है। कौन कह रहा है इल्विस यादव भी इसी वजह से आ पाया था? अरे बस कर भाई। भाई मैं बार बार इल्विस यादव को कैसे पकड़ लेता हूँ, मैं तो पुलिस वाला भी नहीं हूँ। अरे इल्विस भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? कोई बैड बॉय बोलता है, कोई विलन बोलता है। नहीं 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 रजत भाई, मैंने तो इनमें से कुछ भी नहीं सुना। मैंने तो सुना है बच्चों को किडनैप करने वाला, बच्चों को हेलमेट से मारने वाला, वीकली बेसिस पे जेल जाने वाला, मतलब काफी फैला हुआ नाम है आपका। वैसे इस सीजन एक चमत्कार तो हुआ है भाई, हमने सलमान खान और रजत दलाल को एक साथ देख लिया। दोनों ही बेहतरीन ड्राइवर, दोनों को एक लोगों को गाड़ी से उड़ाने का अलग ही शौक है। सोचो वो क्या खौफनाक दिन होगा जब ये दोनों मास्टर ड्राइविंग पे निकलेंगे, अपने इंडिया की आधी पॉपुलेशन को तो ये एक साथ ही सल्टा देंगे। हजारों लोगों ने मेरी इतनी सारी कंट्रोवर्सीज देखी होंगी, पर उन सारी कंट्रोवर्सीज के पीछे की सच्चाई जानने की किसी ने कोशिश करी? अरे सच्चाई तो जानते ही है, वीडियोस पे व्यूज चाहिए था, बिग बॉस में आना था। रजत भाई पकड़े गए, एक गांड पे रैप्टा मारा ना, सड़क पे हकता फिरेगा। मैं एक प्रोफेशनल पावर लिफ्टर था और अब है पार्ट टाइम इंटरनेट का गुंडा बदमोश। वाह। और देखो घर में आते ही रजत दलाल ने वो करा जिसके लिए वो जाने जाते हैं। नहीं नहीं, पावर लिफ्टिंग नहीं, पहले ही दिन गुत लिया किसी से। अभी जो गाड़ी वाला सीन हुआ था, पूरे भारत ने वीडियो देखी, आपने बाइक गिरते हुए देखी? हाँ बाइक गिरते देखा ना। वैसे रजत भाई देखा तो हमने था उड़ाते हुए। कोई बात नहीं। अरे बाबा चीटी मर गई, चीटी मर गई, किसी ने नहीं देखा बहनचोद। वो था कैरी मीना, आउट ऑफ नोवेयर उसने एक रोस्ट वीडियो बनाया जिसमें उसने मेरा मजाक उड़ाया। अब जब मैंने कभी किसी को कुछ गलत बोला ही नहीं है, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा नहीं ना कि सामने से वो ये चीज करे। अरे बहन चो, ये क्या लॉजिक हुआ भला? इस लॉजिक के हिसाब से तो हम किसी पर रोस्ट नहीं कर सकते, रोस्ट छोड़ो किसी को क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते। और कैरी ने रजत भाई तुम पे इसलिए रोस्ट बनाया क्योंकि तुम्हारी हरकतें अखंड बकचोदी भरी थी। मैं बहन चो 250 की स्पीड पे बाइक पे, नंबर प्लेट को ना बहन चो 30-40 मीटर से बंदा उड़ाया। मतलब ये सही है भाई, मैं चलते फिरते ट्रैफिक रूल्स तोड़ दूं, रेस्टोरेंट में जाके वह काम करूं जो वहाँ पे मना है, बच्चों को किडनैप कर लूं, बच्चों को हेलमेट से मार दूं, और फिर इन सब के बाद इंस्टाग्राम पे आऊं, रील बनाऊं और उस पे ये गाना लगा दूं। और फिर जब कोई तुझ पे रोस्ट बनाए तो, और मैंने तो इसको कुछ बोला ही नहीं, इसने मुझे कैसे बोल दिया? अबे दिमाग में बकरियों की मींगनियां भरी है क्या? लवड़े ने भोजन। अगर आपके पास इतनी ऑडियंस है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आप किसी को डिफेम ना करो। डिफेम ना करो? अबे साला तूने ये सारे वीडियोस खुद के अकाउंट पे डाल ली है। केरी ने तो ये सब पकड़ के इस पर रोस्ट बनाया था। मतलब भाई प्रोटीन से नशे तो होते हैं, ये चीज तो समझ गया मैं। जैसे सड़क पे आप चल रहे हो तो कुत्ते भौंक रहे हैं, तो आप थोड़े ना जवाब दोगे? सड़क पे कुत्ते के 42 मिलियन फॉलोअर नहीं होते। ले, अरे भाई एक कुत्ते का अकाउंट तो है, ये नहीं कहना था क्या? मरना तेरे को डर नहीं लगता? चलो भाई आज के लिए इतना रोस्ट काफी है। और पता है मैं रजत दलाल को इतना कुछ क्यों बोल पाया? क्योंकि वो तो बिग बॉस में है, मुझे कोई किडनैप थोड़ी ना कर पाएगा। अरे हाँ यार, मैंने इल्विस यादव को भी तो इतना कुछ कह दिया, कोई नहीं उसको तो मैं अपना सांप पकड़ा दूंगा। बाय भोपड़ी के।